आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मोस्ट अवेटेड शो पिशाचिनी के लीड एक्टर हर्ष राजपूत जी। स्वागत है हर्ष आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जब से पिशाचिनी का प्रोमो आया है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें इसके एपिसोड्स जो है वो देखने को मिलेंगे, तो पिशाचिनी की क्या कहानी रहने वाली है एंड आपका इसमें क्या किरदार है? पिशाचिनी पहले तो 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। 8 अगस्त रात को 10 बजे से सोमवार से शुक्रवार आएगा कलर्स चैनल पर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है ये, बहुत ही जैसे कि आप सब जानते ही है, सुपरनेचुरल थ्रिलर है ये। और पिशाचिनी सुपरनेचुरल कैरेक्टर है जिसके बारे में आपने प्रोमोस में दिखा ही होगा कि कितनी भयानक है, कितनी खतरनाक है, कितनी इंटरेस्टिंग है। वो तो है ही है, बट मैं जो प्ले कर रहा हूँ, मैं प्ले कर रहा हूँ रॉकी एज अ कैरेक्टर, जो का नाम रक्षित भी है, बट वो रक्षित बुलाना पसंद नहीं करते, वो अपने आप को रॉकी ही बुलाना पसंद करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की यू नो टुडेज बॉय है, आज का लड़का है, छोटे शहर से है, बरेली से है, पर उसकी जो अदाए है, उसके जो थॉट्स है, वो एकदम बड़े शहर के रईस ज़ादे जो होते हैं उनकी तरह है। एंड एट द सेम टाइम फ्लर्ट भी है, सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव नहीं करते, भूत पिशाच में बिलीव नहीं करते, काफी सेल्फिश भी है। और कहना चाहूंगा कि एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो जब स्क्रीन पर आएगा वैसे ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगा। ओके नाइस। तो उसे जो है मतलब जैसे कि पिशाचिनी है तो मतलब एक हॉरर शो रहने वाला है ये, तो क्या ये हर तरह की कैटेगरी की ऑडियंस को टारगेट कर पाएगा एंड क्या कुछ इसकी यूएसपी रहने वाली है? एंड साथ ही साथ मेरा ये भी आपसे सवाल रहेगा कि क्या आपको अट्रैक्ट कर गया जो आपने ये किरदार चुना इसमें? यस, ये एक्चुअली हर किसी के लिए ये शो बना रहे हैं, और हर किस्म के ऑडियंस के लिए, चाहे फिर वो छोटे बच्चे हो, चाहे फिर वो घर की यू नो फैमिली मेंबर्स हो, बड़े से लेकर बूढ़े तक, छोटे से लेकर बूढ़े तक, हर किसी के लिए ये शो है। क्योंकि इसमें आपको, तो मैं कह रहा था कि इस शो में हर एक चीज आपको मिलेगी, ड्रामा मिलेगा, इमोशन मिलेगा, एक्शन मिलेगा, रोमांस मिलेगा, तो एक कंप्लीट पैकेज है ये शो, और हर एक ऑडियंस के लिए बना हुआ है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इसे एंजॉय कर पाएगा। ऑल्सो और एक सवाल आपने पूछा था शायद कुछ। जी मैंने कहा था कि इसकी यूएसपी क्या रहने वाली है? यूएसपी यही रहेगी इसकी कि ये बहुत डिफरेंट शो है। आप यू नो रेगुलर जो शोज आप देखते हैं जिसमें यू नो सास बहू ड्रामा चल रहा है या फिर यू नो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे चल रहे हैं, इसमें आपको एक ये मुद्दों के साथ साथ आपको विजुअली एक ट्रीट मिलेगी। ये विजुअली बहुत ही अमेजिंग शो होने वाला है। मतलब आपको पिशाचिनी दिखेगी एक अच्छे नए अवतार में, आपको अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, कलरफुल चीजें देखने को मिलेगी, एक भव्य सेटअप है इसका, एक लार्जर देन लाइफ, जो हम आजकल जो फिल्में काफी चल रही है, हम साउथ की पिक्चरें भी, लार्जर देन लाइफ, सो लार्जर देन लाइफ कैनवास का ये शो है और ये इसका यूएसपी। ओके तो क्या वो चीज थी जो आपको अट्रैक्ट कर गई इस कहानी में, जो आपने किरदार पकड़ा है? पहले जब ये शो मुझे ऑफर हुआ था, मैंने इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि ये सुपरनेचुरल शो था और मेरे पिछले दो शोज भी सुपरनेचुरल रहे हैं। पर फिर जब मुझे ये कैरेक्टर सुनने में आया, जब मुझे पता चला कि सबसे पहले मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ इसमें, तो इट गॉट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और जैसे कैरेक्टर के बारे में मुझे और पता चला, स्टोरी लाइनअप के बारे में और पता चला, तो धीरे 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 बिल्ट होते आई रियलाइज कि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैंने आज तक कभी प्ले ही नहीं किया है लाइफ में। सो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैलेंज है मेरे खुद के लिए टू बी ऑन दिस शो एंड टू प्ले रॉकी एज अ कैरेक्टर। ओके तो जैसे आपने खुद ही कहा कि आप सुपरनेचुरल शोज जो है वो कर चुके हैं, तो क्या हम ये मान के चले कि ऐसी कहानियां किरदार आपको पसंद है क्योंकि आप नागिन का भी हिस्सा रह चुके हैं? जी हाँ, मैं नागिन का हिस्सा रहा हूँ, नजर का भी हिस्सा रहा हूँ। क्या होता है कि यूजुअल नॉर्मल शोज होते हैं या डेली स्टोरीज जो कहानियां जो होती है
उसमें मोस्टली यू नो आपका सीन्स घर में ही खत्म हो जाते हैं या फिर किचन में खत्म हो जाते हैं या हॉल में खत्म हो जाते हैं। ये जो जॉनर्स है इसमें काफी कुछ करने को, काफी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू एक्शन। जैसे मैंने पहले भी बताया मुझे एक्शन करना बड़ा पसंद है, तो एक्शन करने का मौका मुझे मिल जाता है इन जॉनर में। और जो इंटरेस्टिंग टेल जो है, मतलब यू नो मेरा ऐसा मानना है ये बहुत ही डिफिकल्ट जॉनर है, बिकॉज क्या आप हर रोज पिशाचिनी को मिलते हैं? नहीं, शायद नहीं मिलोगे, कभी जीवन में नहीं मिलोगे। बट फॉर एज एन एक्टर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब आप ऐसे कुछ चीजें देखते हो उसे अपने से कन्विक्शन देना और सामने वाले को बिलीव करवाना, ये एक बहुत बड़ा एक यू नो चैलेंज होता है एज एन एक्टर। एंड आई फील दिस इज माय बिगेस्ट चैलेंज टू कीप एंटरटेनिंग माय ऑडियंस विद डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो ऐसे जो सुपरनैचुरल शोज होते हैं काफी ज्यादा वीएफएक्स से भरे होते हैं, तो मतलब शूट के दौरान काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो आपने क्या क्या फेस किया, कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहें शूट के दौरान का? बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है क्योंकि क्या होता है नॉर्मल शो की तरह ये एक ही बारी में शुरू होके खत्म नहीं होता है। अगर आप एक सीन कर रहे हैं तो सीन में लेयरिंग्स भी कर, जैसे कि एक ही शॉट में तीन चीजें एक साथ चल रही है तो तीन बार अलग अलग शॉट देने पड़ते हैं, पर होती सेम चीज है। ऑल्सो एट द सेम टाइम हम जब हम एक्शन करते हैं या फिर क्रोमा पे शूट कर रहे होते हैं तो क्रोमा पे एक हद तक उसको जो एक्चुअल लोकेशन होने वाला है उस पे यू नो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कल ही शूट कर रहे थे कि हम मैं और जो हीरोइन है हमारी जिया वो रोल होकर जा रहे हैं। अब आइडियली वो होने वाला है फॉरेस्ट में, पर फॉरेस्ट में फिलहाल पॉसिबल नहीं था क्योंकि बारिश हो रही है और पूरा यू नो मट्टी कीचड़ वगैरह है, तो हमने उसे क्रोमा पे शूट। अब क्रोमा पे फ्लोर जो था उसे फॉरेस्ट की तरह डेवलप किया गया था कि नीचे मट्टी है, पत्ते हैं और मट्टी के साथ साथ बड़े बड़े कंकर भी आते हैं। तो जब हम रोल करते हुए मेरा हाथ, जिया का हाथ, दोनों का हाथ छिल गया, कमर में पत्थर घुस गए, खून वून निकल आया। सो दिस आर द चैलेंजेस व्हिच यू नो जो नॉर्मली नहीं होती है दूसरी जगह, बट इट हैपेंस इन दिस काइंड ऑफ शोज। सो ये सारी चैलेंजेस है। फिर हार्नेस वर्क होता है काफी सारा, जिसमें आपको हार्नेस यू नो 8-8 घंटे 6-6 घंटे पहन के रहना पड़ता है। हार्नेस एक ऐसी चीज है कि आप पहन तो आपकी सांस आनी बंद हो जाती है, यू कांट ब्रीथ, बिकॉज ना बॉडी से रिग्ड होता है, बॉडी से टाइट होता है और उसको आप लूज छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अगर आपने उसे लूज छोड़ा तो आपको ब्रूजेज इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्लॉस्ट्रोफोबिक 6 घंटे सांस को यू नो कंट्रोल्ड तरीके से यूज करना, दिस आर ऑल वेरी ग्रेट एंड बिग चैलेंजेस आई फील एन एक्टर गोस थ्रू, स्पेशली इन दिस जॉनर। कि आपकी एक लंबी जर्नी रही है, क्या कुछ डिफिकल्टीज आपने इस जर्नी में फेस की है अपनी एक्टिंग लाइन में? देखिए एक्टर के लिए आई फील हर एक दिन एक स्ट्रगल है। हर एक दिन यू नो आपका आपको एक जंग पर जाना है, एक वॉर पर जाना है, और मोस्ट ऑफ द आप हार कर आ रहे हो, ये आपको पता है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू नो मैंने अगर 100 ऑडिशंस दिए हैं तो मैं 100 में तो काम करने वाला नहीं हूँ, उसमें से एक या दो या तीन या मैक्सिमम 5 प्रोजेक्ट्स मुझे मिले, पर 95% हार तो हुई है, इसका मतलब ये सिर्फ 5% ही मैं जीता हूँ। सो फेसिंग दैट चैलेंज is a very big task. Also, जो पूरी जर्नी रही है वो you know it's full of ups and downs चलती रही है, but I think ये एक ऐसी चीज है जो मैंने खुद अपने लिए चुनी है, मैं इसके लिए कंप्लेन कभी नहीं कर सकता कि नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैंने अपने लिए चुनी है। एंड ये जो मेरी माँ का सपना था, जो मेरा सपना है टू बिकम एन एक्टर, वो कहीं ना कहीं यू नो एक पीस देता है, मुझे एक सेटिस्फैक्शन देता है, एक हाई देता है टू कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड। अब 18 साल ऑलमोस्ट हो गए मुझे यू नो काम करते हुए, एंड आई थिंक आई एम ग्रोइंग एंड राइट एवरी डे। ओके, तो जिस तरह का शो पिशाचिनी है, ऐसे शोज पहले भी आ चुके हैं, हॉरर शोज, सुपरनैचुरल हॉरर है ना, तो ये शो किस तरीके से अलग रहने वाला है बाकी शोज से जो पहले ऑडियंस देख चुकी है? नजर था फॉर एग्जाम्पल या फिर नागिन है, सो नजर की डाय
नागिन एक अलग कैरेक्टर थी, नागिन की नागिन एक अलग कैरेक्टर है, पिशाचिन अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो उनके आजू बाजू जितनी भी कहानी इन्वॉल्व है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कैरेक्टर बेस्ड शो है। सो हर एक कैरेक्टर की एक अपनी कहानी है और वही इसका यूएसपी भी है। विजुअल इफेक्ट्स तो ऑब्वियसली है ही है, यूएसपी उसका ये भी है कि हर एक कैरेक्टर की एक जर्नी जो है वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट देने वाली है। मतलब इसमें ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं जो स्टोरी में चेंज नहीं लाने वाला हो या स्टोरी को बदल लेना वाला हो। तो हर मोमेंट पर आपको एक एक ट्विस्ट मिलेगा, एक टर्न मिलेगा, आप बोलेंगे अरे ये कैसे हो गया, ओ शिट ऐसा हुआ, ओ अरे ऐसा हो गया। So this is going to be very intriguing. तो बात करते हैं कलर्स की एक और शो की जो बहुत हमेशा मतलब चर्चा में रहता है। आपकी गेस्ट अपीयरेंस रही बिग बॉस 14 में, तो अगर आपको मौका मिलता है एज अ कंटेस्टेंट जाने का तो आप एंट्री करना चाहेंगे बिग बॉस के घर में? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान है नहीं कि मैं बिग बॉस के घर में एंटर करूँ। शायद मे बी इस शो को प्रमोट करने के लिए शायद वो वापस भेजे तो मैं जाऊंगा, बट एज अ कंटेस्टेंट नहीं तो नहीं पॉसिबल है। ओके, कोई ऐसा किरदार है जिसे निभाना आपका सपना रहा हो, मतलब एक ड्रीम रोल टाइप? मैंने पहले भी बताया मुझे कुछ ऐसा डॉन टाइप का जो कैरेक्टर हो, जैसे शाहरुख खान थे डॉन में, या फिर एक यू नो एक यूनिफॉर्म में मुझे एक कैरेक्टर करना है, कोई भी आर्मी मैन हो गया या पुलिस मैन हो गया। मैं एक्चुअली बड़ा छोटा सा हूँ इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड बॉडी, तो मुझे हमेशा था कि हमेशा ऐसा लगता है कि यू नो मैं शायद यू नो आर्मी मैन या पुलिस मैन के कैरेक्टर में सूट नहीं कर पाऊंगा, बट आई डोंट नो यू नो आई ऑलवेज होपिंग कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि ऐसा कोई कैरेक्टर टू बी एन आर्मी मैन टू बी पुलिस मैन ऐसा कुछ कैरेक्टर मुझे मिलेगा। तो अगर बात करें हम शोज की तो टाइम स्लॉट और टीआरपी का एक गहरा नाता है। अगर अच्छा टाइम स्लॉट मिल जाए तो पता है भाई टीआरपी आनी आनी। तो आपको 10 बजे का स्लॉट मिला है और काफी अच्छा ये टाइम स्लॉट है, तो क्या लगता है आपको कि कितनी टीआरपी इस शो की आ सकती है? देखिए अब नंबर तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितना नंबर आएगा, बट आई थिंक इस जॉनर के लिए ये वंडरफुल टाइम स्लॉट है। 10 बजे एक ऐसा स्लॉट है जो यू नो जब सारी ऑडियंस या फिर जितने भी लोग टीवी व्यूअर्स है वो घर पहुंच ही जाते हैं, तब तक घर वो पहुंच ही जाते हैं। सो द वंडरफुल स्लॉट फॉर दिस जॉनर, सुपरनेचुरल के लिए बहुत ही कमाल का स्लॉट है, और मैं होप करता हूँ और प्रे करता हूँ कि ऑडियंस को यू नो ऑडियंस हमारे शो के लिए यू नो आए और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स। जी, तो एक मेरा सवाल एक ऐसे ही रहेगा कि आजकल की जो ऑडियंस है ना वो काफी ज्यादा मतलब चंचल किस्म की है, अगर उनको थोड़ा सा मसाला ना मिले, ट्विस्ट ना मिले कहानी में तो वो लोग इधर उधर डोलने लगते हैं। तो मतलब पिशाचिनी में मतलब ट्विस्ट से भरा रहने वाला है पिशाचिनी जो ऑडियंस को एकदम जकड़ कर रखे? जी यस यस डेफिनेटली, मैंने वही पहले भी कहा कि इसमें हर एक कैरेक्टर जो है वो ट्विस्ट वाला कैरेक्टर है। मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर आपको पूरे शो में मिलेगा ही नहीं जिसका स्टोरी से अलग रिलेटेड कोई मतलब कोई चीजें ना हो। हर एक कैरेक्टर आकर एक अपनी कहानी बताएगा और वही ट्विस्ट जो है वो आपको खुद को शॉक में डाल देगा कि अरे ये तो ऐसा था, इसने ऐसा कैसे कर दिया। सो दिस विल बी फुल ऑफ This will be a visual treat. This will be very engaging and at the same time will be very intriguing also. कि आप एक एपिसोड देखने के बाद आप दूसरा एपिसोड इसका देखना चाहेंगे ही चाहेंगे। जी, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर कोई अकेला घूम रहा हो तो लोगों की जानने की इच्छा होती है कि भाई उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो आपके फैंस का ये क्वेश्चन है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? देखिए रिलेशन स्टेटस फिलहाल ये है कि मैं सिंगल हूँ, फिलहाल ना ही मेरे मुझे कोई इच्छा है शादी करने की, और देखते हैं जब सही वक्त आएगा सही टाइम आएगा तब डेफिनेटली चीजें मैं बताऊंगा अपने फैंस को भी और अपने चाहने। तो बस एक करेक्ट मौके का इंतजार है और सही वक्त का इंतजार है। ओके, तो आप अपने फैंस को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आपने मुझे पहले भी प्यार दिया है उससे और ज्यादा प्यार मैं इस बार आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
सो प्लीज आप सब पिशाचिनी देखिएगा जरूर, जो कि कलर्स पर 10 बजे से 8 अगस्त से शुरू होने वाला है। आप प्लीज देखिए और ढेर सारा प्यार मुझे वापस दीजिए। जी, डरने के लिए तैयार हो जाइए. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने मजा के लिए हर्षी. तैयार हो जाए, बिकॉज इट इज गोइंग बी टू मच फन टू वॉच दिस शो। जी. आई लव हॉरर शोज एक्चुअली. ओके जी, थैंक यू सो मच, एंड आगे भी ऐसी बात होती रहेगी. श्योर श्योर, थैंक यू सो मच अदिति।